मेरा इस फिल्म में नाम है सूरज, मैं सूरज नाम का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ और बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग सा किरदार है ये और थोड़ा मुश्किल था मेरे लिए क्योंकि मैं सूरज जैसा नहीं हूँ। सूरज को समझने के लिए, सूरज बनने के लिए हमने काफ़ी रिसर्च की, शहर में हम लोग बहुत घूमे, हम स्कूल में जाते थे, लोगों से इंटरेक्ट करते थे, आसपास के लोगों को ऑब्जर्व करते थे, वो लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं कैसे बोलते हैं, तो इट इज़ गुड। ये फिल्म का कोई रेफरेंस नहीं है, ना ही ये फुकरे जैसी है, ना ही ये गैंग्स ऑफ वासीपुर जैसी है, ये कैरी ऑन कुत्तों है, एक अलग स्टोरी है और जब आप देखेंगे तो आप उसके बाद आपको समझ आएगा। ये एक इसमें दो लड़के हैं और एक लड़की है, कहीं ना कहीं एक लव ट्राइंगल है और दोनों लड़के इस लड़की को चाहते हैं और उसको चेस करते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग है। इस फिल्म में जो गाली गलौच है वो बहुत नेचुरल है क्योंकि वो स्क्रीन स्क्रिप्ट की डिमांड थी और हमारे जो हम बैकड्रॉप दिखा रहे हैं इसमें फिल्म में, जहाँ की कहानी है बलिया की, वहाँ की डिमांड थी क्योंकि छोटे शहरों में लोग थोड़ा गाली वाली दे के बात करते हैं एंड आई थिंक इट्स फाइन, कॉमन है, लेकिन मैं पर्सनली कभी ऐसे मेरी कभी ऐसे अपब्रिंगिंग नहीं रही है और मैं बाहर शिमला में पढ़ा हूँ और मैं कभी भी ऐसे लोगों से या यूपी में नहीं रहा हूँ या कभी ऐसे लोगों से मैंने डील किया है तो, लेकिन जब ये मैंने सुना था कि ये स्टोरी, जब अशोक हमारे डायरेक्टर ने हमें स्टोरी के बारे में बताया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था और जैसे उसने थोड़ा मुझे बताया कि ये किस तरह की स्टोरी है और हम लोग क्या करने वाले हैं, क्या कैरेक्टर होने वाले हैं, तो मुझे पता था कि ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है और इस स्टोरी में जो उसकी खास बात ये है कि ये स्टोरी जो है ये एक ऐसा कोई बहुत हाई बजटेड फिल्म नहीं है, इसमें फालतू का कोई एग्जैजरेशन नहीं है, इसमें कोई भी इसकी कुछ लेयर्स नहीं है, ये बहुत रॉ रियल स्टोरी है। ये जो कहानी है तो ये बलिया की, यूपी की, लेकिन जो इसमें इमोशंस है और इस फिल्म का जो कनेक्शन है वो सिर्फ बलिया के लोग ही नहीं, वो उत्तर प्रदेश से लेके कन्याकुमारी तक सभी लोग इस फिल्म से कनेक्ट करेंगे। हाँ, इसमें गोली का सीन है, बंदूक का सीन है, देसी कट्टे का सीन है और जिस तरह की कहानी है ये, तो उसमें कहानी में कहाँ कहाँ उन लोगों को उस बंदूक की ज़रूरत पड़ी थी, गोली की ज़रूरत पड़ी, तो ये सब चीज़ें हैं फिल्म में, आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा। इस तरह से हम लोग इसको फिल्म में दिखा रहे हैं तो ये और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और जो इसमें कैरेक्टर है सूरज, ज्योति, कादम्बरी, कैरी, सो बहुत अच्छा है और सभी बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग एक्टर्स हैं, बहुत सपोर्टिव है और जब सब अच्छे लोग मिलके कुछ बनाते हैं तो एक कुछ अच्छा निकलता है। देखिए, मेरी पहली फिल्म है, अभी मैं ज़्यादा सोच नहीं रहा हूँ, लेकिन फिल्म अच्छी है तो ऑफकोर्स फिल्म अच्छी है तो आई एम वेरी हैप्पी विद इट और एंड आई फील सो लकी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म बिकॉज एक अच्छी कहानी है और ये फिल्म मुझे लगता है कि लोग एक याद रखी जाएगी और लोग इसको आई होप काफ़ी पसंद करेंगे। सो लेट्स सी, बहुत अच्छी कनेक्शन है, बहुत अच्छे हम लोग दोस्त हैं और उससे भी अच्छे एक्टर्स हैं सभी और जो सबका एक म्यूचुअल कोलैबोरेशन था इस स्टोरी में, उसकी वजह से ही ये फिल्म बहुत अच्छी निकल के आई है। फिलहाल तो मेरा कोई फैंस मुझे लगता नहीं है कि कोई है, लेकिन मैं यही सबको बोलना चाहूँगा कि बहुत अच्छी स्टोरी है, बहुत अच्छी फिल्म है, आप सब देखेंगे तो उसमें बहुत मज़ा आएगा आपको और लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और लोगों को थोड़ा देखने से लग रहा है कि इसका थोड़ा हल्का सा वासीपुर जैसी दिख रही है, लेकिन ये वैसी है नहीं और अपने आप में एक स्टोरी है, अपने आप में कहानी है, अपने आप में इसमें किरदार हैं